नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। आज हम लौकी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, स्टफ शाही लौकी। क्या बना रहे हैं? स्टफ शाही लौकी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये मैंने 500 ग्राम लौकी ली है, इसे अच्छी तरह धोया, छीला और बीच में से दो दो पीस ऐसे कर लिए। पीस करने के बाद मैंने इसे छील लिया और छील के पिलर की हेल्प से ऐसे इस पे ऊपर डिजाइनिंग कर दी। बस इतना ही काम किया है। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिए थे साबुत धनिया सीड्स और साबुत जीरा, दोनों को एक एक टेबलस्पून लेके तवे पे भूनकर पाउडर बना लिया है। और हमें क्या क्या चाहिए? ये 2 ग्रीन चिलीज चॉप्ड, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई, खोआ मावा, 200 ग्राम प्याज कद्दूकस किए हुए, अनियन ग्रेटेड, 200 ग्राम 200 ग्राम टमाटर कद्दूकस किए हुए, 200 ग्राम टमाटोज ग्रेटेड। ये मेरे पास है किशमिश और काजू, चॉप किए हुए काजू हैं, कैशू नट्स और रेजिन्स। ये मेरे पास, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया, 1 टेबल स्पून कैशू नट्स, 1 टेबल स्पून किशमिश और ये 1 टेबल स्पून लिया है डेजिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। ये मैंने लिया है बेसन। अब हम देखेंगे कि हमें कितना बेसन चाहिए। ये है धनिया, ग्रीन धनिया लीव्स, कसूरी मेथी फेन्युग्रीक लीव्स और ये मेरे पास है गरम मसाला, तेल, हल्दी, ये पानी है हमारे पास और ये है हमारे पास साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे लोग पूछते हैं कि हमें मावा कितना चाहिए। अगर आपने देखिए इसमें से ज़्यादा खोखला निकाल लिया तो आपकी ज़्यादा स्टफिंग हो जाएगी और अगर हमने कम निकाला तो कम स्टफ कर पाएंगे। वैसे मैंने 150 ग्राम मावा लिया है, आप 200 ग्राम मंगवा लें, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा फिलिंग हो जाएगी, अगर कम है तो कम हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इन चीज़ों को बीच में से खोखला करेंगे ऐसे। इसे हमने खाली करना है। इसे एप्पल कॉरर बोलते हैं, जो बाज़ार में इजीली क्रॉकरी शॉप पे मिल जाता है। इससे आसानी से कोई भी, जब हमने खोखला करना होता है बीच में से कोई फ्रूट कोई सब्जी जैसे, अच्छी तरह से निकल आता है। देखिए आप, नहीं आप चाकू से धीरे धीरे निकाल लें अगर आपके पास इसकी सुविधा नहीं है। देखिए इस प्रकार से हमने सभी पीसों को बीच में से खाली कर लेना है। जो हमने लौकी के बीच में से मटेरियल निकाला है उसे हम अच्छी तरह चाकू की हेल्प से चॉप कर लेंगे और इसे फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी में ही डालेंगे। इसे फेंकना नहीं है, ग्रेवी इससे थिक हो जाएगी हमारी। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हम डालकर गरम करेंगे। हमारा जो ऑयल है वो गर्म है, हमने थोड़ा डाल के इसमें चेक कर लिया है। अब हमने जो खोखले किए थे बीच में से लौकी के पीसीज, उनको मीडियम फायर पर, मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को रखते हुए, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को रखते हुए फ्राई करेंगे। हमने ऐसे धीरे धीरे मीडियम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे सभी लौकी के पीसीज को हमारे ऐसे ही फ्राई कर लेना है, गोल्डन, बस थोड़ा सा गोल्डन करना है। चारों तरफ से अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए, ऐसे घुमा के हमने चारों तरफ से इसे फ्राई कर लेना है, जैसा कि ये वाला पीस ऊपर से हो गया, चारों तरफ से ऐसा ही फ्राई होना चाहिए।
मैंने अपने सभी लौकी के पीसीज को फ्राई कर लिया है, आप देख लें ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जीरा और धनिया साबुत जीरा साबुत धनिया तवे पर भूना था, उसे पेसल मोटर में ऐसे इसमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा करता है पीस लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे खोआ। आप 150 से 200 ग्राम तक खोआ ले लें, ये आपकी मतलब के खाली करने पर डिपेंड है कि आपने अंदर से कितना खाली किया है। अगर आपने ज़्यादा खाली किया है तो आपकी ज़्यादा फीलिंग लगेगी, अगर थोड़ा कम खाली हुआ है आपसे नहीं अच्छी तरह से खोखला कर पाए तो आपकी थोड़ी लगेगी। आप 150 से 200 ग्राम खोआ रख ली। ये हमारे पास है हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये है हमारे पास किशमिश और काजू, ये है हमारे पास नारियल का बुरादा डेजिकेटेड कोकोनट, और हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला बिना धनिए का 1/2 टीस्पून, और ये है हमारे पास रेड चिल्ली पाउडर, ये मैं थोड़ा अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर ले, मैंने हरी मिर्च मिलाई, मैं इसमें 1/4 टीस्पून मिला रही हूँ। और अब हम इसमें मिलाएंगे नमक खोए के अकॉर्डिंग, खोआ हमारा कम था उसी हिसाब से मिलाना है, मैंने 1/2 टीस्पून मिलाया है बस। इस सभी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली हैं, अब हम इसे हाथों से अच्छी तरह मसल कर मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। हमने जो स्टफिंग तैयार की है उसको धीरे धीरे लौकी के पीसीज के अंदर ऐसे फिल करेंगे, तभी मैंने बोला था ना कि अगर आपने ज़्यादा खोखला किया है तो आपकी ज़्यादा स्टफिंग लगेगी, अगर आपसे अच्छी तरह नहीं हुआ है तो आपका कम खोआ लगेगा। खोए की जो क्वांटिटी है वो आपकी स्टफिंग करने पर निर्भर है। मैंने तो काफ़ी अच्छी तरह बीच में से खोखला कर लिया था। हमारे 2 पीसीज रेडी हो गए हैं। मैंने अपने सभी लौकी के पीसीज को खोए की स्टफिंग से भर लिया है, फिल कर लिया है। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। ये जो घोल है हमने हार तैयार करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेंगे पहले, फिर देखते हैं कि कितना और चाहिए, नहीं वो बेसन है हमारा बेकार देगा। इसमें बेसन के हिसाब से थोड़ा सा नमक मिलाना है जितना का हमारा बेसन है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल मामूली सा पानी, इतना हार हमने तैयार करना है। हमारा बेसन कम है, हम बाकी का भी मिला लेंगे, यानी कि हमारा 50 ग्राम बेसन लगा है। इतना हार बेसन तैयार करना है, देख लिया आप कितना हार तैयार करना है। उसके बाद हम इसके फेस को ऐसे बंद कर देंगे बेसन से। पानी लगाते हुए ये हमारा तैयार है।
पीस। मैंने अपने लौकी के सभी पीसीस को सील कर लिया है बेसन के घोल से, हार्ड हार्ड घोल तैयार करके उसे सील कर लिया है। जहाँ पे मैंने 2 सर्विंग स्पून वाले क्या लिए हैं, ऑयल के, रिफाइंड ऑयल के लिए हैं। अब हम करेंगे ग्रेवी तैयार, जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें मलाएंगे। हमने ये वाले 2 सर्विंग स्पून ऑयल के लिए थे, गर्म किया, ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसमें मिला रहे हैं अनियन, सब्जी का किए हुए अनियन, और इसे पिंक होने तक कुक करेंगे। मीडियम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। जो हमारे अनियन है वो लाइट ब्राउन कलर के कुक हो गए हैं, आप इसका कलर नोट कर लें। अब हम इसमें मिलाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया, आप देखें। अब हम इसमें मिलाएंगे अपने कद्दूकस किए हुए टमाटर, ग्रेटेड टमाटोज, जो हमने जो हमारे टमाटरों की प्यूरी डाली थी वो काफ़ी हद तक कुक हो गए हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। ये है हमारे पास 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और अब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब इसमें मिलाएं देगी मिर्च। मैं इतनी मिला रही हूँ, आप 1/2 तक भी मिला सकते हैं। हम कम तीखा खाते हैं, कम मिला रहे हैं। नमक हम सबसे बाद में ऐड करेंगे। अब इसे ही अच्छी तरह हिलाते हुए ऑयल सेपरेट होने तक इस ग्रेवी को हम कुक करेंगे, जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। मैं अपना जो मसाला है, ग्रेवी है, उसे तैयार करते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसे ढक कर कुक करेंगे। फिर हम इसमें बाद में मिलाएंगे नमक, जो भी आगे का प्रोसीजर है वो बाद में करेंगे। अब हम इसे सिम आंच पे आंच धीमी करके ऐसे ढक कर इस ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। फिर देखते हैं कितने मिनट लगते हैं और ये कैसा दिखाई देता है। हमारी ग्रेवी में से ऑयल देखिए सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब जो हमने बीच में से निकाला था लौकी के खोखला करते खाली वक्त, वो भी वाला सामान बीच में ही मिला देना है लौकी का। इससे हमारी एक तो ग्रेवी थिक हो जाएगी, थोड़ा ये डालकर हम इसे पकाना है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब हम इसमें मिलाएंगे जो ऑयल वगैरह निकला था वो सभी चीज़ें हमने बीच में ही मिला देनी है, वेस्ट नहीं करनी। चलिए अब हमारे पास कमी थी नमक की, गरम मसाले की, वो सभी चीज़ें हम ऐड करके ढक कर 1-2 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें हमारी ग्रेवी के हिसाब से ही नमक मिलाएंगे, क्योंकि लौकी में जो स्टफिंग किया उसमें तो हमने मिला दिया है, इसमें इतना 1/2 टीस्पून नमक काफ़ी है। और मिलाएंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह हमने मिला दी है, ये थोड़ी सी मेरे पास हरी मिर्च है वो भी मिला देंगे, और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा, यानी कि 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ऑयल देखिए बड़ी तेज़ी से निकलता जा रहा है, सेपरेट होता जा रहा है। अब हम इसे ढकेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर तो आपने कुकर में बनाना है फिर क्या करना है कि
ऐसे एक कुकर लीजिए, उसमें सभी पीसीज को इसमें ऐसे रखना है और उसके ऊपर ग्रेवी उड़ेल कर एक स्टीम दबानी है। और उससे पहले, अगर कुकर में बनाने से पहले क्या करना है, हमने जैसे मानो ये एक कढ़ाई है, कढ़ाई में थोड़ा ऑयल पाएंगे और सभी पीसों के जो बेसन लगाया है उसको फ्राई करेंगे, सभी पीसीज को जो बेसन है ताकि कच्चा ना रहे। फिर क्या करेंगे, कुकर में रखेंगे इन सभी पीसों को, ऐसे कुकर में रख के ऊपर से ग्रेवी उड़ेल कर एक स्टीम दिवाएंगे। अगर आपने बेक करना है तो वो प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो बेक ही करती हूँ। बेकिंग से एक डिफरेंट किस्म का जो स्वाद है, फ्रेग्रेंस है, अरोमा है, वो अलग ही रहता है। मैं बेकिंग का भी आपको बता दिया और स्टीम दबाने का ही, पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, पीसी चिन्ने हैं, ऊपर ग्रेवी डालनी है और एक स्टीम तक इसे पका के उतार देना है। फिर ऊपर से गरम मसाला, हरिया धनिया पाउडर डालकर हमने सर्व करना है। अब हम क्या करेंगे, हम करने जा रहे हैं बेक, तो थोड़ा तो मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। पहले मैं मसाला भूनना सिखा दूँ अच्छी तरह, आपको दिखा दूँ कैसे भूनना है। एक सर्विंग स्पून तक मिलाएंगे इसमें हम पानी। पानी मिलाकर हम इसे ढक देंगे और उधर हम अपनी बेकिंग डिश को तैयार करेंगे। इसकी आंच कर देंगे धीमी। उसके लिए हमने क्या, ये रहा हमारे पास अवन। अवन में हमने लगाया स्टैंड, आप चाहो तो माइक्रो में भी कर सकते हो। मेरे को तो जो ऑर्डिनरी ही पसंद है, ट्रेडिशनल अवन ही पसंद है सब्जियां बेक करने के लिए, तो मैं कभी भी दूसरे माइक्रो का इस्तेमाल नहीं करती सब्जियों के लिए, तो मैं इसी अवन का इस्तेमाल करती हूँ जो ऑर्डिनरी रहते हैं, जब जो कुकिंग रेंज में रहता है उसमें भी अच्छी तरह बहुत, क्योंकि धीरे धीरे पकता है तो सभी मसालों का टेस्ट उसमें अच्छी तरह समा जाता है। करेंगे प्री हीटेड एक सौ अस्सी डिग्री पर, 180 डिग्री पर हमने इसे सेट कर लिया है और अवन को करेंगे हम प्री हीटेड। प्री हीटेड करने के पश्चात हम एक बोरोसिल की डिश लेंगे। ये बोरोसिल की मेरे पास एक डिश है, इसे हम ऐसे रखेंगे। ऑयल हमारा ऊपर आ रहा है, देखिए थोड़ा और आने दें। इतने में हमारा जो अवन है वो भी फ्री हीटेड हो जाएगा अच्छी तरह से। जो ऑटो कट अवन है हमारा, इतने में हम अपना जो हरा धनिया है वो प्रिपेयर करते हैं चॉप करके। चॉप कैसे करना है, बिल्कुल अच्छी तरह फाइनली चॉप कर लीजिए आप। सेपरेट है, अब हम इसमें ग्रेवी को ऐसे सेट करेंगे। बोरोसिल की ये डिश है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने पीसीज उनको ऐसे लगाएंगे, इसी में ही हम सर्व कर देते हैं। जब सर्व करेंगे बस सारी ग्रेवी को हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, इसीलिए हमने इतनी ग्रेवी तैयार की थी। हमने हरा धनिया डाल दिया है
और ये है हमारे पास कसूरी मेथी, ये आप ऐसे मैश करके इसके ऊपर डाल दें ताकि जो इसका कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर है वो हमारा सारा इसमें आ जाए। थोड़ा सा हम बाद में भी सर्व करते वक्त डालेंगे। थोड़ा सा हमने अब डाल दिया है और ये है हमारे पास थोड़ा सा खोआ, थोड़ा सा हम सर्व करते वक्त भी इसे ऐड करेंगे। और अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा प्री हीटेड ओवन है उसके बीच रखेंगे कितने मिनट, 15 से 20 मिनट, जब तक कि हमारा जो वाला 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। ओवन हमारा प्री हीटेड है, 15 मिनट हम इसे बेक करेंगे, फिर चेक करेंगे जो हमारा बेसन लगा है वह ब्राउन हो जाएगा और इसके फ्लेवर है सारे इसमें आ जाएंगे। हमारा जो सब्जी है उसे पकते हुए आधा घंटा हो गया है। आओ हम इसे चेक करते हैं, चेक कर लें कि ये कैसी बेक हुई है। ये बहुत अच्छी बेक हुई है, जो ऊपर से जो हमने बेसन लगाया था वह बिल्कुल पक गया है। अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करेंगे कि सर्व कैसे करना है। गर्म है, सब्जी को ओवन में से बाहर निकाल लिया है, हमने आधा घंटा बेक किया है। अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं कि सर्व कैसे करना है। ये मेरे पास है चॉप्ड ग्रीन धनिया लीव्स, धनिया लीव्स हैं ब्री कटे हुए, और इसके ऊपर हम पाएंगे गरम मसाला, ऐसे स्प्रिंकल करना है सर्व करने से पहले, ठीक है। और अब हम इस पे पाएंगे कसूरी मेथी, ऐसे हाथ से मसल कर, और थोड़ा सा आप खोआ भी डाल सकती हैं अगर आपको खोए का फ्लेवर पसंद है। ये सब्जी हमारी रेडी है बिल्कुल खाने के लिए, सर्व करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मुझे आशा है यह सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपके पास ओवन की सुविधा नहीं है तो आप कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक विसल आने तक इसे कुकर में रखकर ऐसे ही पहले पीसीज रखे, ऊपर मसाला डाल लें और एक विसल दबा लें और ऊपर से ऐसे ही गार्निशिंग करके सर्व करें। यह सब्जी खाने में बहुत टेस्टी बनती है।